था, अच्छा दो बार ऑपरेशन करवा लिया, तीसरा आपके पास करवाया, तो अब बहुत सही है गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब दिक्कत नहीं नहीं, है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने हिम्मत दी अच्छा तो इसलिए फिर मैंने फिर कराया आपको आपको। ठीक लगा। हाँ, फिर ठीक लगा, बहुत अच्छा बढ़िया सुनाई देता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं मुकेश वत्ती जी। इनको ईयर में प्रॉब्लम थी, ईयर में पानी आता था, सुनाई भी कम देता था, समहाउ आई थिंक इनका कोई सर्जरी भी कराया था। आज 2 महीने इनको ट्रीटमेंट को हो गए। सबसे पहले तो इन्हीं से जानेंगे कि इनकी क्या जर्नी थी और इनको कैसे कैसे प्रॉब्लम थी और आज अब कैसा फील कर रहे हैं। मैडम आप बताओगे आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी? मेरे कान बहता था, अच्छा दो बार ऑपरेशन करवा लिया, तीसरा आपके पास करवाया, तो अब बहुत सही है गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब दिक्कत नहीं नहीं, है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है गया अब। तो आपने आपको जब पहले ऑपरेशन कराया, फिर आपने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगा? पहले तो 2 बार में करा चुकी है, अभी फिर खराब हो जाएगा तो मोटर लगा, फिर? आपने हिम्मत दी अच्छा तो इसलिए फिर मैंने फिर कराया आपको आपको। ठीक लगा। हाँ, फिर ठीक लगा। अच्छा अब आपकी सारी समस्याएं ठीक है, सुनाई भी हाँ, देता है कान अब से। बहुत बढ़िया सुनाई देता है। अपने गांव शहर में बहुत सारे लोगों के अभी भी कान बहते हैं, आप क्या बताओगे उनको, क्या करना चाहिए? नहीं, मुझसे पूछते हैं आप कान सही है, मैं कि बहुत बढ़िया कान है मेरा, अब तो सही हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे रिश्तेदार पूछते हैं हाँ कि अब कैसा है कान, उनके अब तो सही है। के जो सन है हर्ष जी, इनसे बात करते हैं क्योंकि इनका काफी एक्टिव रोल रहा है इसके अंदर। आप बताओ कि मम्मी को क्या प्रॉब्लम थी बेटा? सर, ये 4-5 साल से कान के बहने की परेशानी थी, हाँ तो फिर दो जगह ऑपरेशन भी करवा लिया, एक ठीक नूह में और एक यहाँ पे भी करवा लिया, है। हाँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर लास्ट में फिर परेशान होकर फिर एक बार यहाँ पे फिर जैसे तैसे मालूम चला हॉस्पिटल, यहाँ को जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल का, फिर यहाँ पे आपने ऑपरेशन के लिए बताया, तो फिर दो बार तो हो चुका, तो एक बार और लास्ट बार एक बार और देख लें। एक आपने डिसीजन हाँ, लिया तो हुआ। एक बार और हाँ करके ऑपरेशन करवा के देख लें, तो फिर यहाँ पे करवाया, तो फिर अब 2 महीने 2-2.5 महीने बाद में अभी काम सही है पूरी तरह से। हम मामा ठीक है, अभी कोई पहले की हाँ, जैसी अभी समस्या हाँ, ही अभी नहीं। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा आपको यहाँ पे डॉक्टर साहब से हॉस्पिटल से कोई समस्या, कोई नहीं प्रॉब्लम? नहीं सर, बहुत बढ़िया है कोई सब दिक्कत एकदम। नहीं, हाँ थैंक सर। यू। सो दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया बात जो हर्ष जी ने बताई, इनकी मम्मा ने भी, कि भाई ये है जो भी बीमारी है उसका जैसे समय पे इलाज कराना चाहिए, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, जहाँ हम इलाज कराते हैं पूरा उस सर्जन के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा हमें पूरा पता लगा लेना चाहिए कि मेरी जो तकलीफ है वो यहाँ सही हो सकती है कि नहीं। जिससे क्या है, जैसे इन्होंने 2 बार ऑपरेशन कराया, बड़े परेशान हुए, पैसे भी खराब हुए, दुखी हुए, तो वो एक ही बार में हमारा काम होना चाहिए, चाहे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में सर्जरी कराएं, चाहे कहीं पर भी, हमें डॉक्टर से अच्छे से मिलना चाहिए, समझना चाहिए। एंड कान का इलाज देखो, जैसे इनका 2 बार फेल हो गया तो भी संभव है, बहुत सारे लोगों में ऐसे है कि अब तो कान का इलाज संभव नहीं है क्योंकि एक बार ऑपरेशन हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो अगर किसी को कान की अच्छी ऐसी समस्या है तो डेफिनेटली वो अच्छे किसी डॉक्टर को दिखाएं, मेरे पास आके जयपुर दूरबीन में भी दिखा सकते हैं, 2 या 3 बार कितनी भी सर्जरी हो, जो भी बेस्ट होगा हम दोस्तों करेंगे। एंड थैंक यू बेटा, एंड मैडम थैंक यू आपको कि आपने हमारे पे विश्वास किया, जैसा आपने विश्वास किया वैसे हमने आपका कान ठीक किया। थैंक यू। धन्यवाद।